तो हाय गाइस, आज हम करेंगे डिस्कस हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपका एग्जाम है 4421, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, 4421 के लिए। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। क्या कह रहा है आपको, इसका सिनोनिम बताना है। चूज द वर्ड दैट इज सेम एज द गिवन वर्ड। एक मिनट। हाँ जी, तो पहला वर्ड है हमारा है एनिमेट। एनिमेट का मतलब क्या होता है? एनिमेट का मतलब होता है कोई भी चीज जो क्या हो, बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हो, मतलब जो चीज फुल ऑफ एनर्जी हो। क्या हो? फुल ऑफ एनर्जी हो, उत्साहित हो, उत्साह से भरी हुई हो, फुल ऑफ एनर्जी हो। जैसे हम ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसानों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एनिमेट बींग्स, तो मतलब फुल ऑफ एनर्जी है इनके अंदर, एंथुजियास्टिक है। क्या ये लोग? एंथुजियास्टिक है। ENTHUSIASTIC, एंथुजियास्टिक। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? काम का मतलब होता है शांत करना, तो शांत वाला तो है नहीं यहां पर, एनर्जाइज, एनर्जेटिक से बना है एनर्जाइज, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कैलस। कैलस मतलब क्या होता है? कैलस मतलब होता है कठोर, निर्दय, मतलब ब्रूटल, क्रूअल, अनकाइंड। क्या कह सकते हो आप? ब्रूटल कह सकते हो, BRUTAL, ब्रूटल, क्रूअल, अनकाइंड। एक वर्ड और इसके लिए होता है इंपॉर्टेंट वर्ड जो आप बोल सकते हो, विशियस। विशियस का मतलब भी होता है बहुत ही ज्यादा क्रूअल, निर्दय किस्म का इंसान, ठीक है, जिसके अंदर क्या है वो बिल्कुल काइंडनेस तो है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है ना, दया भावना तो है ही नहीं, कठोर दिल का, विशियस, क्रूअल। एक वर्ड और देख लो, एक वर्ड और आप बोल सकते हो इसे, क्या बोल सकते हो? बारबेरिक। बारबेरिक लिख के पढ़ना सब कुछ, BARBARIC, बारबेरिक भी बोल सकते हैं हम इसको। तो हमारा आंसर हो गया बी, एनर्जाइज हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, कैलस, कैलस का मतलब मैंने बता दिया। एनमिटी मतलब क्या होता है? एनमिटी का मतलब होता है हॉस्टिलिटी, मतलब दुश्मनी। एनिमी से बना, एनिमी से याद रखो, एनिमी से याद रखो, एनमिटी मतलब दुश्मनी, हॉस्टिलिटी, HOSTILITY, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। ये वन वर्ड है, ठीक है, जिससे आपकी वोकैब हो जाए। आज मैंने सिर्फ उसी वोकैब उठाई है, ठीक है। तो देखो, सिर्फ प्रीवियस ईयर की वोकैब्स करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, जो अभी रिसेंटली आए हैं, बस अपनी तरफ से कुछ वोकैब नहीं करा रहा, प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूं। तो कह रहा है प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर। प्रोफिशिएंट मतलब होता है स्किलफुल, निपुण पब्लिक स्पीकर, जिसके बोलने का ढंग बहुत अच्छा हो, अच्छा वक्ता, अच्छा बोलने वाला, उसे हम कहते हैं ओरेटर, ठीक है। पब्लिक स्पीकर, वेल स्पीकर, जो बहुत अच्छा बोलता हो, जिसका गिफ्ट ऑफ द गैप, जिसका गिफ्ट ऑफ द गैप, GAB गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बोलने की कला, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, जिसकी अच्छी हो, बोलने की कला अच्छी हो, GAB गैप, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ओरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो भाई क्यूरेटर किसे कहते हैं? क्यूरेटर कहते हैं जो म्यूजियम में एक पर्सन होता है, म्यूजियम के अंदर एक पर्सन होता है जो चीजों का ध्यान रखता है। अ पर्सन हु लुक्स थिंग्स दैट आर केप्ट इन अ म्यूजियम, जो म्यूजियम के अंदर चीजें पड़ी होती है, उन चीजों का जो ध्यान रखता है, उसे क्यूरेटर कहते हैं। आर्बिट्रेटर क्या होता है? आर्बिट्रेटर भाई, जैसे कि समझ लो दो बंदे हैं, उनके बीच में झगड़ा है, तो उनके बीच में जो कॉम्प्रोमाइज कराता है, जो एक आर्ग्यूमेंट को सेटल कराता है, उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। ये दो पर्सन भी हो सकते हैं, दो ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्या कह रहा है? अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, कि भाई काम बहुत कम हो, ऐसी नौकरी जो हर कोई चाहता है कि काम कम करना पड़े और बहुत ज्यादा सैलरी हो, तो उसे हम बोलते हैं साइनोक्योर। क्या कहते हैं? सिनोक्योर, SINECUR। ऑनररी किसे कहते हैं? ऑनररी जिसे कहते हैं जिसमें आपका क्या होता है, कोई ऑनर दिया जा रहा हो, गिवन एज एन ट्रिब्यूट या ऑनर, रिस्पेक्ट दिया जा रहा हो, उसे ऑनररी कहते हैं, ठीक है ना। एक ऑनररियम होता है, उससे कंफ्यूज मत होना। मिनिस्ट्रियल आपको पता होगा, वॉलंटरी मतलब होता है इच्छा से। आपका आंसर हो गया साइनोक्योर। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कह रहा है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट वर्ड बताना है, एंटोनियम बताना है, वर्ड है फेमिलियर। फेमिलियर मतलब क्या होता है? जिससे आप, जिस जिसको आप जानते हो, जिससे आप फेमिलियर हो, जिसकी आप क्लोज हो, ठीक है। फेमिलियर मतलब क्लोज, ऐसे समझो। अब आप ये देखो, इसका मतलब है क्लोज, तो डिस्टेंट मतलब होता है दूरी, दूरी, नॉट क्लोजली रिलेटेड, जिससे आप क्लोज ना हो, नॉट क्लोजली रिलेटेड, उसे बोलते हैं हम डिस्टेंट। तो डिस्टेंट आपका एग्जैक्ट आंसर चला जाएगा। अब एब्सर्ड मतलब क्या होता है?
एब्सर्ड मतलब होता है कोई भी चीज जो रिडिकुलस हो, क्या हो, कोई भी चीज जो आपकी रिडिकुलस हो, RIDICULOUS, रिडिकुलस मतलब होता है बहुत ही घटिया बेतुका, क्या होता है, बहुत ही घटिया और बेतुका, ठीक है ना। चलो क्लैरिटी, किसी भी चीज की क्लैरिटी हो पता ही आपको। पिटाइट क्या होता है, पिटाइट मतलब होता है खूबसूरत, पिटाइट को हम बोलते हैं खूबसूरत, कोई भी चीज जो ज्यादा अट्रैक्टिव हो, छोटी सी चीज जो अट्रैक्टिव हो और खूबसूरत हो, तो पिटाइट का मतलब होता है खूबसूरत। आपका आंसर चला जाएगा डिस्टेंट। आ जाओ नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर कैप्ट, फिर वन वे सब्स्टिट्यूशन है, जहां पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं आर्काइव। ये आपका आंसर हो गया। कह रहा चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, ठीक है, क्या बताना है, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है, तो देखो बताओ क्या होगा करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। हमारा वर्ड है बम्पटीशियस, क्या वर्ड है, बम्पटीशियस, BUMPTIOUS, बम्पटीशियस का मतलब क्या होता है, बम्पटीशियस का मतलब होता है देखो खुद, कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंट, क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट उसे कहते हैं। ये स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, इसे हम बोलते हैं कैसे, जो बंदा हो वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ एजर्वेटिव हो, एसर्टिव हो, एसर्टिव, ASERTIV, जो बंदा क्या हो, खुद एतमाद हो, मतलब कि जिसके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंट जो हो, जो भरा हुआ हो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, बम्पटीशियस बोलेंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा ये वर्ड ना थोड़ा सा नेगेटिव में चला जाता है, क्यों चला जाता है, क्योंकि ये जो बम्पटीशियस वाले वर्ड होते हैं, चलो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, बट ये लोग ना अपने आप को बहुत ज्यादा मानते हैं कि हम ही है, हमने जो बोल दिया बोल दिया, वो अपने आप से ही बहुत ज्यादा प्लीज होते हैं। तो जैसे कि हम ये वर्ड यूज करते हैं नेगेटिव वे में, जैसे मैं बोलू अ बम्पटीशियस ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, ये मतलब ये अपने आप में ही क्या है, ये एक टाइप ऑफ थोड़ा एरोगेंट है ये, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, सेल्फ एसर्टिव है, ये अपनी ही चीजों को बहुत ज्यादा मानता है, ये एरोगेंट है, पॉइंट गेट कर रहे हो। इसी को हम कॉकी भी बोलते हैं, COCKY, कॉकी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, चूज द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ट, वर्ड आपका क्या है जो जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, वो स्पेलिंग है आपकी किसकी, अल्टरकेशन की, क्या स्पेलिंग है, ALTERCATION, अल्टरकेशन, ठीक है। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, तकरार, क्या मतलब होता है, एक आर्ग्यूमेंट या एक डिसएग्रीमेंट, किसी के बीच की तकरार, उसे बोलते हैं अल्टरकेशन। नेक्स्ट वर्ड, टू प्ले डक्स एंड ट्रिक्स, इसका मतलब होता है, टू प्ले डक्स एंड ट्रिक्स ये एक idiom है, इसका मतलब होता है टू वेस्ट मनी, ठीक है, टू बिहेव रेकलेसली, मतलब बिल्कुल पैसा उड़ा देना, बिहेव रेकलेसली, स्क्वेंडर कर देना, स्क्वेंडर, ये वर्ड बहुत अच्छा है, ध्यान रखना है, SQUANDER, इसका मतलब होता है बर्बाद कर देना, सब कुछ वेस्ट कर देना, उड़ा देना, रेकलेसली पैसा उड़ा देना, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है टू फेदर वंस नेस्ट, इसका मतलब क्या है, टू फेदर वंस नेस्ट मतलब अपनी क्या, किसी भी तरीके से अपना लाभ करना, चाहे वो चीज डिसऑनेस्ट वे से कर रहे हो, आप चलाकी से कर रहे हो, तो टू मेक प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, टू फेदर वंस नेस्ट। नेक्स्ट है कह रहा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड है, आपकी स्पेलिंग है पिनाकल, क्या स्पेलिंग है, पिनाकल, क्या मतलब होता है पिनाकल का, पिनाकल का मतलब होता है एक मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट, ठीक है, जैसे कहते हैं ना अ हाई पॉइंट, ठीक है, ऑन माउंटेन, सर्वोच्च, सबसे ऊपर का, जैसे पिनाकल एक इंस्टीट्यूट भी है तो ऊपर, ठीक है ना, तो सबसे ऊपर, ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इनफर्म, इनफर्म मतलब होता है क्या, इनफर्म मतलब होता है वीक, क्या करना, वीक होना, बहुत ज्यादा इन्फर्मिटी, बुढ़ापे की वजह से लोग वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। अपोजिट वर्ड बताना है, मतलब ठीक उल्टा वर्ड बताना है, क्या वर्ड बताना है, ठीक अपोजिट वर्ड बताना है, उल्टा वर्ड बताना है, तो उल्टा वर्ड इसका क्या होगा, स्टाउट, स्टाउट मतलब होता है तगड़ा और मोटा, तो यही आंसर है। अब एक बार आप क्या करो, एक बार आप स्पर का मतलब भी देख लो, स्पर का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को एंकरेज करना। एंशियस का मतलब होता है चिंतित, फेम का मतलब होता है दिखावा, प्रिटेंड करना, क्या करना, प्रिटेंड करना, आपका आंसर चले जाएगा स्टाउट।
नेक्स्ट कह रहा प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, जहां पे ज्यूज जो होते हैं वो वर्शिप करते हैं, ऐसे एक प्लेस है यहाँ पे सब लोग मिल जाते हैं और यहाँ पे अपने रिलीजन की वर्शिप करते हैं, उस जगह को बोलते हैं प्लेस वेयर पीपल गैदर टूगेदर, उसे बोलते हैं सिनेगॉग। ये आपका आंसर है। मॉनेस्ट्री हो गया आपका मठ, मॉस्क हो गया मस्जिद, टॉवर आपको पता ही है, सिंपल था। ये आपके ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। एग्जेम्पशंस, देखो कोई चीज मैं आपको बोल रहा हूँ ये करना ये करना ये करना ये करना ये करना, फिर मैं बोल रहा हूँ ये चीजें नहीं करनी, ये चीजें एग्जेम्पशंस है, एग्जेम्पशन मतलब ये चीजें छूट है, ये नहीं करनी। अपोजिट बता रहा है वो कि अपोजिट बताओ, छूट का अपोजिट मतलब होता है क्या क्या चीजें करनी है। ये तो हो गया छूट कि भाई ये चीजें नहीं करनी, ये चीजें छोड़ के एक्सेप्ट, ठीक है। अब क्या क्या चीजें करनी है उसे हम बोलते हैं इंक्लूजन्स। लिबरलाइजेशन आपको पता होगा, कमेंट करके मुझे बता देना, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन से पढ़ा होगा आप लोगों ने। एग्जॉर्टेशन मैं बता देता हूं, एग्जॉर्ट का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए परसुएड करना, ठीक है, बोलना कि ऐसे ऐसे करो, एग्जॉर्ट करना, एग्जॉर्टेशन कहते हैं उसे, ठीक है। कोई हार्ड पेपर नहीं है, बहुत ही आसान पेपर आ रहा है, ऐसा भी नहीं कि कोई एकदम मुश्किल ही पेपर आ रहा है, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या वर्ड है, सबटेरेनियन, क्या वर्ड है सबटेरेनियन, क्या मतलब होता है इसका देखते हैं। सबटेरेनियन का मतलब होता है जमीन के अंदर, क्या क्या मतलब होता है जमीन के अंदर, ये आपका आंसर है, ये स्पेलिंग करेक्ट है। इसका मतलब होता है अंडर द ग्राउंड, ये भी आपके एग्जाम में आ रखा है, क्या मतलब है अंडर द ग्राउंड। जैसे मैं बोलूं आप सबटेरेनियन टनल, तो जमीन के नीचे से जो जा रहा है भूमिक, ठीक है ना, जमीन के नीचे से, ध्यान रखना है सब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टू बीट अ रिट्रीट। टू बीट अ रिट्रीट का मतलब होता है बहुत तेजी से भाग जाना उस जगह से, टू रन अवे क्विकली। बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी और 15 के 15 क्वेश्चन डिस्कस करे, वो कैब आपकी जो भी प्रीवियस आई गई है, जो अभी अभी आ रही है, ठीक है। चलिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।